नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद पर गुरुजन में कार्यरत हूँ। हाँ, तो आज हम आए हुए हैं 95 बटालियन BSF बॉन्सी में। यहाँ पर हमने गुरुजल के द्वारा पौन डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया गया था आज से करीबन 6 से 7 महीने पहले ब्रूकफील्ड की मदद से, जो कि आज बनकर तैयार हो चुका है। तो हम आपको बताएंगे आज 95 बटालियन में जो भी यहाँ पर वेस्ट वाटर जनरेट होता था और उसकी काफ़ी समस्या थी और यहाँ पर सीवेज लॉगिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर हम आए, हमने देखा यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी। यहाँ पर सीवेज लॉगिंग के कारण बीमारियाँ, मतलब फैमिली का काफ़ी डर होता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने यहां पर लोगों के बैठने के लिए बेंचेस लगाए हुए हैं और साथ में बच्चों के खेलने कूदने के लिए टायर और रस्सी का इस्तेमाल करके एक झूला टाइप में बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर भी हमने एक चैम्बर बनाया हुआ है, चैम्बर टाइप का बनाया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पौंड के बराबर में जो फ्री स्पेस खाली एरिया यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे जो खाली एरिया है, इसका जितना भी बारिश का पानी एकत्रित होगा वो भी हमने अपने जोहड़ में लेने के लिए इस चैम्बर का निर्माण किया है। हमारे WWTP का पहला स्टेप है, वो है हमारा सेटलर, जिसको हम स्क्रीन चैम्बर के नाम से भी बुलाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले पानी का फ्लो जो है सेटलर में ही आता है। सेटलर में पानी आने के बाद उसके बाद हमारा पानी जो है आता है वो है हमारे ABR मीन्स मतलब एनएरोबिक बैफल्ड रिएक्टर। इसके अंदर हमारी काफ़ी बैफल वाल्स बनी हुई हैं जिसके थ्रू पानी होते हुए हमारा वेटलैंड तक पहुंचता है। ये ABR का आउटलेट है जो कि वेटलैंड की तरफ पानी हमारा रिसीव हो रहा है। आप देख पा रहे हैं वेटलैंड से हमारा पानी होते हुए पौंड की तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम वेटलैंड में, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमारी दो प्रकार की जो कि स्पीसीज लगी हुई हैं जो हमारी फिजिकल फिल्ट्रेशन का काम करती हैं पानी का, उनका नाम है कैना इंडिका और दूसरी है वेटिवर ग्रास, जो कि प्रॉपर एकदम पानी को क्लीन करने का कार्य करती है। वेटलैंड के बाद हमारा जो कि आउटलेट है वो पौंड में आता है पानी का। पौंड के किनारे पर आप देख पा रहे हैं जो कि हमने कोकोनट जियो कोयर लगाया हुआ है, जो कि ये है अपने मिट्टी का कटाव ना हो उसमें बड़ा बेहतर साबित होता है। इसकी खास बात यह है कि अपने 2-3 साल में जब मिट्टी ऑटोमेटिक सेट हो जाती है तो उसके बाद ये जियो कोयर में मिट्टी में ही लीन हो जाता है।